हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्ले पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है डेंजरस। इसमें हमें टोटल 7 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 13 मिनट से लेकर 20 मिनट्स के बीच में ही है। खैर, इस सीरीज में हमें नजर आते हैं करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा बासु, नताशा सूरी, सोनाली राउत और सुयश राय। खैर, इसे डायरेक्ट किया भूषण पटेल ने। सीरीज की कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां पर हमें नजर आते हैं आदित्य धनराज, जो कि एक बिजनेस टाइकून है। उनकी वाइफ डिया मिसिंग हो जाती है और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए आती है नेहा सिंह। उसके बाद आपको यही देखना है कि नेहा सिंह इस केस को किस तरह से सॉल्व करेगी। उसके अलावा हमें इस सीरीज में और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, ये सब के लिए तो आपको ये सीरीज ही देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस बंदे ने इस सीरीज का नाम डेंजरस रखा, वो बिल्कुल 100% सही रखा, क्योंकि ये आपकी आंखों के डेंजर है, या आपकी पूरी बॉडी के लिए डेंजर है, और ये आपकी लाइफ 2 घंटे के लिए डेंजर में डाल देगी अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो। क्योंकि इस सीरीज की जो कहानी है वो एटलीस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। यानी कि मैंने इस तरीके की कहानी बहुत 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 बार देख चुका हूं। और अगर बात करेंगे इसके राइटर और प्रोड्यूसर की, तो वो है विक्रम भट्ट। और विक्रम भट्ट की मूवी में आपको बिट्रेल, लव, सेक्स, ड्रग्स, यही सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, और इस सीरीज में भी वही सब कुछ है, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर कैरेक्टर्स की बात करूं, तो किसी भी कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर डेवलप नहीं किया कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। वही है यार कि उन्होंने एक दूसरे से मिलते हैं, फिर वही पास्ट की बातें उनको याद आती है। यार कितनी बार देखेंगे हम लोग बार बार। और उसके अलावा यहाँ पर भर भर के एडल्ट सीन्स डाले गए, जो कि कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या करें, विक्रम भट्ट की सीरीज है तो भाई उसमें तो हो गई। उसके अलावा बात करेंगे म्यूजिक की, तो यहाँ पर मीका सिंह के 3 गाने, वो इतने वाहियात गाने के यार, मतलब दोबारा मैं सुनने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मुझे सुनना भी नहीं है। इसके लिए बता रहा, म्यूजिक इसका बहुत ही क्लास म्यूजिक है। उसके अलावा बात करेंगे इसके एक्शन सीन्स की, तो यार एक्शन सीन देखिए, मुझे लिटरली इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि मैं यार आज मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं किस क्या बताऊं आप लोगों इस सीरीज के बारे में। एक ही चीज अच्छी थी, वो थी इसके एपिसोड्स की लेंथ। यानी कि 13 मिनट से लेकर जो 20 मिनट के एपिसोड थे वो बहुत ही अच्छा था। यानी कि वहां पर एक जगह आपको रिलीफ मिलती कि हाँ, एटलीस्ट एपिसोड की लेंथ तो कम है। तो एज अ रिव्यूअर मुझे ये सीरीज देखना पड़ा, लेकिन मैं आप लोगों को इतनी एडवाइस दूंगा वो ये है कि अगर आपके पास फालतू टाइम है तो ये सीरीज को जरूर देखना, और अगर आप करण सिंह ग्रोवर या बिपाशा बासु के फैन है तो ये सीरीज देखना। लेकिन अगर आप इन दोनों के फैन नहीं है, या आपको एक अच्छी वेब सीरीज देखना है, एक यूनिक सब्जेक्ट पे बनी वेब सीरीज देखना है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। और फाइनली मैं आप लोग से इतना ही बोलूंगा, तो भाई देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।